हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप अगर अपना फेसबुक अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। अगर आप डिलीट करना नहीं चाहते तो आप उसे डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं दोनों इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो आप ये वीडियो पूरी देखने के बाद आसानी से अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट, कुछ समय के लिए डीएक्टिवेट या डिलीट दोनों कर सकेंगे। आप ये हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और जानते हैं किस तरीके से आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट या डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने फेसबुक अकाउंट को डीएक्टिवेट या डिलीट करने के लिए आपको अपने फेसबुक को ओपन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से आप डीएक्टिवेट और डिलीट दोनों कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 3 लाइन दिखाई दे रही है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप इसको ऊपर स्क्रॉल करना है। इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेटिंग एंड प्राइवेसी, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है सेटिंग्स, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ये देखिए, अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं, मेमोराइजेशन सेटिंग्स, डीएक्टिवेशन एंड डिलीटेशन, और मैनेजिंग योर इन्फॉर्मेशन। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है डीएक्टिवेशन एंड डिलीटेशन, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखना है आप अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करना चाहते हैं या इसे डिलीट करना चाहते हैं। अगर आप डीएक्टिवेट करेंगे तो आप इसे बाद में एक्टिवेट कर सकते हैं, और अगर डिलीट कर देंगे तो इस अकाउंट को आप दोबारा फिर से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर इस अकाउंट को डिलीट करने वाला हूँ। अगर आप डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर पहले से टिक लगा हुआ डीएक्टिवेट के ऊपर, और इसके बाद आपको कंटिन्यू टू अकाउंट डीएक्टिवेशन के ऊपर क्लिक कर देना है अगर आप डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो इसका लिंक वीडियो मैंने बना दिया, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं पासवर्ड किस तरीके से पता करना है। तो यहाँ पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ टाइम पूछेगा कितने समय तक के लिए आपको डीएक्टिवेट करना है, तो उस समय के लिए आपको उस पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू कर देना है। अगर आपको डिलीट करना है तो वो मैं डिलीट इस अकाउंट को करके दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है डिलीट अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए, यहाँ डिलीटिंग योर अकाउंट इज़ परमानेंट, आपका जो अकाउंट है परमानेंट डिलीट हो जाएगा, आप कभी इसको एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे, जरूर ध्यान रखें। इसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीटेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आइए आपसे रीजन मांगेगा कि आप अकाउंट क्यों डिलीट कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, आई स्पेंड टू मच टाइम ऑन फेसबुक, मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ फेसबुक पे, ये आपका जो भी रीज़न हो आप दे सकते हैं। इसके बाद मैं भी यहाँ पर कोई एक रीज़न दे देता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर देने वाला हूँ आई हैव प्राइवेसी कंसर्न, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जो भी आप देना चाहते हैं उसके ऊपर आप क्लिक कर दें, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ले कंट्रोल योर इन्फॉर्मेशन, गिव फीडबैक, अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके दे सकते हैं कुछ भी, लेकिन मैं यहाँ कुछ ऐसा करने वाला नहीं हूँ। तो आपको कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीटेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पर सब कुछ आपको लिखा जाना है। तो अगर आप अपनी पोस्ट को अपने एच आई में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, अकाउंट आपका डिलीट हो जाएगा, फोटो आपकी सेव हो जाएंगी। डाउनलोड, अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन अपनी जितनी भी है फोटोज़ वगैरह की उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें, और अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो आपको डिलीट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर डिलीट अकाउंट सब कुछ ख़त्म करने वाला हूँ, मैं इस अकाउंट का डिलीट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देंगे जैसे ही। तो यहाँ पर अब आपको यहाँ देना है आपका पासवर्ड, जो भी आपको पासवर्ड था वो आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। पासवर्ड याद नहीं है तो कैसे पता कर सकते हैं, उसका वीडियो बना चुका हूँ मैं, ये बता चुका हूँ आपको पहले भी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देना है। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू बटन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपसे एक बार फिर से पूछेगा कंफर्म परमानेंट अकाउंट डिलीटेशन, इसके ऊपर आपको फिर से क्लिक कर देना है। और ये क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका अकाउंट हो जाएगा परमानेंट डिलीट।